अभी हम किसी क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन का ग्रेटेस्ट और लिस्ट वैल्यू की बात कर रहे थे, तो जो कंसेप्ट हमने दिया वो कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में है। अगर फंक्शन इंटरवल ए बी में कुछ पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस हो जाए तब क्या कंसेप्ट होगा। मान लीजिए फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल ए बी के दो पॉइंट पर सी और डी पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और हम फंक्शन का ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू जानना चाहते हैं इंटरवल ए बी में। फंक्शन सी और डी पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, सी और डी पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ए हम क्लोज इंटरवल ए बी में फंक्शन का ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू निकालना चाहते हैं। हमने अभी बतलाया था कि ए और बी इंटरवल के दोनों एंड्स पर फंक्शन का वैल्यू निकालिए और फंक्शन का लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालिए इंटरवल ए, ओपन इंटरवल ए बी में। ए और बी पर वैल्यू निकालिए और ए और बी के बीच में जितने लोकल मैक्सिमम है वो निकालिए, उसमें जो सबसे बड़ा होगा वो ग्लोबल मैक्सिमम ग्रेटेस्ट वैल्यू कहलाएगा। ए और बी पर निकालिए और ए और बी के बीच में जितने पॉइंट्स पर लोकल मिनिमम है वो निकालिए और इसमें एफ ए एफ बी और ए और बी के बीच में सारे लोकल मिनिमम में जो सबसे छोटा होगा वो लीस्ट वैल्यू होगा। लेकिन अगर फंक्शन ए बी इंटरवल के कुछ पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस हो जाए, सी और डी पर डिसकंटिन्यूअस है, तो हम करेंगे क्या कि फंक्शन का वैल्यू ए पर निकालेंगे, फंक्शन का वैल्यू बी पर निकालेंगे और ये सी पर डिफाइंड नहीं है, डी पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो हम लिमिट निकालेंगे टेंडिंग टू सी फ्रॉम लेफ्ट, एक्स टेंडिंग टू सी फ्रॉम लेफ्ट एंड एक्स टेंडिंग टू सी फ्रॉम राइट। सी पॉइंट लिमिट निकालेंगे फंक्शन का व्हेन एक्स टेंड्स टू सी फ्रॉम लेफ्ट, व्हेन एक्स टेंड्स टू सी फ्रॉम राइट। डी पर भी लिमिट निकालेंगे व्हेन एक्स टेंडिंग टू डी फ्रॉम लेफ्ट, व्हेन एक्स टेंडिंग टू डी फ्रॉम राइट। तो फाइनली इसमें क्या क्या निकालेंगे, ए पर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, बी पर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे और जहां जहां लोकल मैक्सिमम होगा वो निकालेंगे और जहां डिफाइंड नहीं है ये इस फंक्शन इस पॉइंट पर लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, और इस पॉइंट पर भी अगर डिफाइंड नहीं है तो लिमिट निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। और तब हम कौन सा एफ ए एफ बी लेफ्ट हैंड लिमिट ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन इंटरवल ए बी ग्रेटेस्ट ऑफ एफ ए एफ बी। इसमें ऐसा हम करते हैं, पहले हम ग्रेटेस्ट फर्स्ट फाइंड ग्रेटेस्ट ऑफ एफ ए एफ बी एंड ऑल लोकल मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ एफ एक्स इन ए बी। जैसा हमने पहले कहा था, ए पर निकालिए, बी पर निकालिए और ए और बी के बीच जितने पॉइंट्स पर लोकल मैक्सिमम है वो निकालिए, इसमें जो सबसे बड़ा है वो ले लीजिए और लिमिट निकालिए एफ एक्स का एक्स टेंडिंग टू सी फ्रॉम लेफ्ट। ऑल्सो फाइंड लिमिट एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू सी फ्रॉम राइट, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू डी फ्रॉम लेफ्ट, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू डी फ्रॉम राइट। तो अगर सबसे पहले हमने ये निकाल रहे हैं ग्रेटेस्ट ऑफ एफ ए एफ बी एंड ऑल लोकल मैक्सिमम इन ए बी, लेट दिस ग्रेटेस्ट वैल्यू बी दिस ग्रेटेस्ट वैल्यू बी एम। अब ये ग्रेटेस्ट वैल्यू जो एम निकाला और ये लिमिट निकाला, इसमें देखेंगे अगर एम इस चारों लिमिट से भी बड़ा हो, ये जो ग्रेटेस्ट वैल्यू आया है वो जो लिमिट आया इससे भी बड़ा है, चारों लिमिट से बड़ा है, तो यही फंक्शन का ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगा। लेकिन अगर ये लिमिट बड़ा हो गया इस एम से,
कोई भी लिमिट बड़ा हो गया एम से, तो हम कहेंगे कि एफ एक्स का ग्रेटेस्ट वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये लिमिट है, फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पर नहीं है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ कि अगर फंक्शन कुछ पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस हो जाए और ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है, तो दोनों एंड पर एफ ए और एफ बी निकालिए, और जहां जहां लोकल मैक्सिमम वैल्यू है वो निकालिए, और उसमें जो सबसे बड़ा है वो कैपिटल एम निकाल लीजिए, और जहां पर डिफाइंड नहीं है फंक्शन वहां पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकालिए, और अगर ये एम इस सभी लिमिट से बड़ा है तो वही ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगा, और अगर एम इसमें किसी लिमिट से छोटा हो गया तो हम कहेंगे कि एफ एक्स का ग्रेटेस्ट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक वैसे ही लिस्ट वैल्यू की भी बात करेंगे, हम कैसे निकालेंगे, एफ ए एफ बी और ऑल लोकल मिनिमम वैल्यूज निकालेंगे, एफ एक्स का वैल्यू ए पर बी पर एफ एक्स का वैल्यू और ए और बी के बीच में जितने लोकल मिनिमम है वो निकालेंगे, और उसका लिस्ट ले लेंगे एफ ए एफ बी और ऑल लोकल मिनिमम वैल्यूज का लिस्ट लेंगे, मान लीजिए वो एल है और ये लिमिट निकालेंगे। अगर ये एल जो लिमिट मिनिमम ये लिस्ट वैल्यू आया है एफ ए एफ बी और लोकल मिनिमम वैल्यूज का लिस्ट जो एल आया है, अगर एल इन सब से छोटा हो तो वही लिस्ट वैल्यू हो जाएगा, लेकिन अगर ये एल इसमें से किसी से भी अगर ये जो एल निकाला हमने एफ ए एफ बी और ए और बी के बीच जितने लोकल मिनिमम है उसका लिस्ट एल है, अगर एल इन सबों से छोटा है तो लिस्ट वैल्यू एल हो जाएगा, लेकिन एल अगर इसमें से किसी एक से भी बड़ा हो गया तो हम कहेंगे कि लिस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट।